वेलकम टू आईटीडीसी इंडिया भोपाल। आज हम फिर से एक बार अपनों से अपनी सी बात प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ हैं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। मैं आपको एक बार परिचय कराऊं, ये मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सरकार का एक अभिनव प्रयास है जो 1991 में शुरू किया गया है। इसमें डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के लिए ये कार्यरत है और ये उनको रीच करना चाहता है जो कभी जिन तक पहुंच बन ही नहीं पाई है, जैसे कि इनका एक स्लोगन कह सकते हैं, टू रीच द अनरीच्ड पीपल्स। वेलकम अगेन, थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर तारिक जफर साहब का स्वागत करता हूँ। स्वागत आईटीडीसी इंडिया में सर। जी, हम आज एक अपनों से अपनी सी बात प्रोग्राम के लिए आपके साथ में हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के अभियान लाए गए हैं प्रदेश सरकार के द्वारा और उनको जिस तरह से आगे विकास और लगातार उन्नति मिली है, उस पर एक परिचर्चा है जिसमें हम आपको शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने 1991 में ये संस्था शुरू करवाई, ओपन यूनिवर्सिटी को बुलाए हैं, वहां से देखें तो ऑलमोस्ट हम लोग अब लगभग 27 साल के आसपास आगे आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, जिन उद्देश्यों को, जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, उसमें आप अपने आप को कैसे पाते हैं? मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस से मध्य प्रदेश शासन ने हर सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में ये ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये ग्रामीण छात्रों को जो कि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको शिक्षा प्रदाय करना। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने 10 रीजनल सेंटर बना रखे हैं, जिससे लगभग 1,00,000 स्टूडेंट हमसे लाभान्वित हो रहे हैं। और उसमें मेन ग्रामीण क्षेत्रों में और आपके आदिवासी क्षेत्रों में पिछड़े इलाकों में ये मतलब कोर्सेज रन हो रहे हैं और इसमें कोई छात्रों को माइग्रेशन डीसी इसकी आवश्यकता नहीं होती और कोई सीमा आयु की सीमा इसकी बाध्यता नहीं होती और हम हर स्टूडेंट्स को पाठ्य सामग्री प्रदाय करते हैं। और हमारा मेन एम ये होता है जो ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश पिछड़ा इलाका है वो जो छात्र शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उनको शिक्षा प्रदाय करना। बहुत धन्यवाद। हमने जो जाना, जो आपने इसमें इम्पोर्टेंट बात बताई कि इसलिए किसी भी तरह के माइग्रेशन या टीसी की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे कोर्सेज लाए गए हैं जिनमें कि जो लक्ष्य की बात की जाए, रीच टू अनरीच्ड, हम उन अनप्रिविलेज बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं, उन बच्चों को हायर एजुकेशन तक देना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में पाते हैं कि उनके पास उपलब्ध साधन उनको मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब हम यहाँ बैठे हैं, साहब हमारे साथ में हैं तारिक जफर साहब। तारिक साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी लगातार देश में काम कर रही है प्रदेश के लिए पूरी तरह से। पहले जब शुरू में लाया गया था, जब आरसीआई भी इसके साथ में थी और मटेरियल मैनेजमेंट को भी लिया गया था, तो क्या वो उनके कोर्सेज अभी भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं? आरसीआई के तो हमारे जुड़े हुए हैं जी, मटेरियल मैनेजमेंट शायद IIMM, उसमें जो है कोर्सेज अभी इतने अच्छे से रन नहीं हो रहा है। आरसीआई हमारा पूरा हमसे जुड़े हुए। अच्छा, रिकॉग्निशन भी हमको मिला हुआ है। और जो अभी आरसीआई के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिमिटेशन टू मध्य प्रदेश हो गए हैं? हाँ, लिमिटेड हमारे जो सेंटर्स होंगे, हमारा जो ज्यूरिडिक्शन है वो एमपी है। अच्छा, यानी हम ये समझें कि वो कोर्सेज तो अभी स्टिल प्रोसेस कर रहे हैं और अभी बीच में आपने कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम लाए हैं जो हम दर्शकों को जानकारी दें कि एक अभी नया प्रयास आया है इस साल में जिसकी तैयारी हो रही है, जिस पर करिकुलम और प्रोस्पेक्टस भी तैयारी में है, जो जिसके बारे में अभी रजिस्ट्रार साहब से और डायरेक्टर साहब से जानूंगा। वो प्रोग्राम है कम्युनिटी लीडरशिप। ये एक ऐसा प्रोग्राम लाया गया है जो हमारी जानकारी में आया है कि मध्य प्रदेश में अब शिक्षा अभियान हम वैसा रीच करने की कोशिश करेंगे जैसा केरल में कभी लाया गया था। यानी हम जो चाहते थे कि हमारे प्रदेश में मासूम जब बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, अगर उनकी पढ़ाई आधी में रुकती है तो उन्हें किस तरह से नुकसान नहीं होगा, वो चीज मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी ने एक यूनिक प्रोग्राम दिया है। यानी इसमें कहा जाता है कि यदि आप 1 साल के बाद रुक जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, अगर आप 2 साल के बाद रुक जाते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, और अगर आप 3rd साल पर जाकर पूरा करते हैं तो आपको इसका डिग्री कोर्स मिलेगा। और वो प्रोग्राम है कम्युनिटी लीडरशिप, जिसमें कि यानी हमें
हमारे घर के आसपास हमारे वातावरण में किस तरह से काम करना है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो उनका फैमिलियर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसी के बारे में दो शब्द फिर से लेना चाहूंगा साहब के। तारिक साहब बताइए इसके बारे में हमें। अपना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसके सोजन से और राज्य शासन की कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी लीडरशिप का कोर्सेज डिप्लोमा और डिग्री शुरू करना है। हमारे प्रबंध बोर्ड की अनुशंसा कोऑर्डिनेशन की अप्रूवल के बाद ये कोर्सेज 2014 से रन किए जाएंगे। इसका मेन मकसद ये है कि सारे जो जितने छात्र हैं जो भी कम्युनिटी लीडरशिप में आएंगे उनको रोजगार भी दिया जाएगा। तो ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट राज्य शासन का है उसको इम्प्लीमेंट भोज यूनिवर्सिटी डिग्री प्रदान करेगी और पंचायत ग्रामीण विकास मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट दो तीन और भी है। मैं चाहता हूँ विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी ऐसी बने जो 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक छात्र यहाँ आए पढ़े, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाए और जितने भी बच्चे हों उनको किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ अवेलेबल हों। कि सुबह 8 बजे से जब पुराने जमाने में हम सुनते थे जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी हो उसमें उसमें जो है आपको देखना हो कि यहाँ वातावरण कैसा है उससे पहचान होती थी। तो आपने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि जैसा अभी हम जान पा रहे हैं कि अब जो प्रोग्राम अभी ला रहे हैं जिनमें आप लगातार काम कर रहे हैं उसमें लगातार टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या लगता है कहीं आपको अब रिसोर्सेज कम पड़ेंगे जिसको आप शासन से मांगेंगे? नहीं, कर्मचारी आपको चाहिए और नहीं कर्मचारी भी मांगेंगे, 245 कर्मचारी भी हमने मांगे हैं। और एकेडमिक जो स्टाफ है वो भी हमें रखना है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रार साहब के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये भी आना चाहिए और हमें डायरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे काम कर रहे थे हमारा ये है कि उनका भी अपॉइंटमेंट हो और नए जो एम्प्लॉयमेंट दिए जाए वो मध्य प्रदेश जो भोपाल से कनेक्टेड हो। यानी इस बारे में आपने अभ्यर्थना मध्य प्रदेश सरकार को भी दे दी है? जी जी, उस पर कार्रवाई आगे शुरू हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि मतलब आगे जब हम भविष्य में देखेंगे तो एक विराटतम यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर पाए। इसके बारे में कुछ नए अगले आगामी जो 2014-15-17 आ रहे हैं उसमें कुछ आपके जो प्रयास हो जिनके बारे में आप हमें हमारे मध्य प्रदेश जो जनता है जो हमारी व्यूअरशिप है जो लीडरशिप है उन तक मैसेज आप जो देना चाहें कि वो किस तरह से आपसे जुड़े, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो भोज यूनिवर्सिटी काम कर रही है वो इस तरह से काम कर रही है जैसे कि हम यूनिक कल्पना करते हैं, लेकिन उसकी जो रीचिंग है अभी भी ग्रामीण अंचल तक उस लेवल पे और उस अपेक्षा अनुरूप नहीं पहुंची है। तो उसमें क्या सुधार करें या क्या आप अपेक्षा करते हैं हम मीडिया लोगों से जो उस चीज को आगे बढ़ाएं जिससे कि हम भोज का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो? भोज यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य ग्रामीण ग्रामीण एरिया में रहने वाले छात्र इस शिक्षा से जो कि उनकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। हम आपके जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं उनको हमारी डायरेक्टर रजिस्ट्रार साहब से चर्चा चल रही है, पूरे रीजनल सेंटर्स को हम इक्विप करेंगे कि हर लड़के को यहाँ रीजनल सेंटर से उनका कनेक्शन रहे जिससे उनकी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी और इक्विप करने के बाद तुरंत हल हो जाए। और दूसरा बात ये है कि हम चाहते हैं कि रिसर्च अंडर इंटरनेशनल लेवल का इंटरव्यू करना और अपने हर मार्क का पत्रक भी निकालना चाहते हैं। तो DTA VPN जो नई टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे रही है उसके जरिए उसके माध्यम से भी हम शिक्षा को दूर दूर तक पहुँचाएं। यानी आप जो जनरल लाना चाहते हैं वो रिसर्च जनरल होगा या यूनिवर्सिटी जनरल होगा? नहीं, इंटरनेशनल जनरल। अच्छा, आप इंटरनेशनल जनरल लाना चाहते हैं यानी जिस पर कि हम हमारे यहाँ से आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स उस पर डाले जा सके, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोग हमें दें, जनरल्स की एक कमेटी बनाई उसका रजिस्ट्रेशन करा दें, जिनकी राय का पालन करके हम सारी चीजें उसको रखेंगे और पत्रक भी जारी किया जाएगा हर महीने और इंटरनेशनल जर्नल हम चाहते हैं इतना अच्छा हो कि इसका पूरे दुनिया में इसका नाम बने। लाइब्रेरी इंटरनेशनल जर्नल और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी ये हमारे विश्वविद्यालय का हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट। जैसा साहब ने बताया कि नंबर वन लाइब्रेरी, दूसरा इंटरनेशनल जर्नल जिसमें कि रिसर्च पेपर दिए जा सके और हम लोग एक अपने प्रदेश से जिसके एक नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सके उसकी तैयारी, और तीसरा इसमें यहाँ स्टडी के लिए स्टूडेंट्स को व्यवस्थाएं बने जिससे वे स्टडी पर अपना काम कर सकें अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, इसके लिए हमारे नए ड्रीम प्रोजेक्ट सर लेके चल रहे हैं। इसमें बस अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको एक संदेश देना हो प्रदेश को कि वो मध्य प्रदेश भोज से जो अपेक्षाएं रखती है मध्य प्रदेश भोज उस पर किस तरह से उनको मदद के लिए आगे है, उसमें स्टडी सेंटर हो चाहे रीजनल सेंटर्स आपने बनाया हो वो या डायरेक्ट आपका हेड ऑफिस है,
तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता कैसे जुड़ा ले? ये मेरा सिर्फ एक मैसेज है, विश्वविद्यालय उन छात्रों की सेवा करने के लिए आया है जी। हम छात्रों की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं जी। और इस बारे में हम चाहते हैं कि हर आदमी उसकी कटिबद्धता चाहे शासन स्तर पे हो चाहे और किसी भी स्तर पे वो हमसे जुड़े। हम चाहते हैं छात्रों को रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम दिए जाए, जिससे कि जो सरकार का मध्य प्रदेश शासन का छात्रों को और नौजवानों को रोजगार देने का वो है, वो भी इससे सफल। यानी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स पर तारिक साहब जफर साहब की नजर है और उस पर वो कार्यरत हैं और उनके साथ डेडिकेटेड टीम लगातार काम कर रही है। हम ITDC इंडिया की तरफ से हृदय बधाई और शुभकामनाएं देते हैं आपको। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बधाई और शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भोज यूनिवर्सिटी को इस लायक समझा कि हम आपसे बात कर सकते हैं।